नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का लॉजिकल कॉम्पिटिटर्स पे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यूपी पुलिस का जो 2019 का एग्ज़ाम था, जो फेज टू का एग्ज़ाम था, वो फुली कम्प्लीटेड हो चुका है। कहीं से कोई ख़राब खबर सुनने को नहीं आई है कि पेपर लीक हुआ है या फिर कहीं बड़े स्तर पर कोई धांधली पकड़ी गई है। तो जो पिछली बार हुआ था कि वैकेंसी कोर्ट में चली गई थी, इस बार कोर्ट में नहीं जाएगी। रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 15 मार्च या फिर 20 मार्च के आसपास आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और हाँ, आप कोड ऑफ कंडक्ट या फिर आचार संहिता के चक्कर में पड़िएगा, उससे नई चीज़ें रुकती हैं, पुरानी चीज़ें वैसे ही चला करती हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको परेशान नहीं होना कि सर मार्च में आएगा, अप्रैल में आएगा, नई सरकार बनने के बाद आएगा, तो आपका उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये स्टेट के नहीं, सेंट्रल असेंबली के, सेंट्रल के चुनाव है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि इस बार का जो पेपर का लेवल था वो वाकई काफ़ी अच्छा लेवल था। जैसे पिछली बार आपका जो री एग्ज़ाम हुआ था, तो री एग्ज़ाम काफ़ी, ये कह सकते हैं कि जो जून जुलाई में पेपर हुआ था उससे तो टफ ही था। तो ये जो पेपर था, वो जो बाद में पेपर हुआ था अक्टूबर में, उसके लेवल का पेपर था। तो पेपर पिछली बार से टफ था, तो कट ऑफ तो कम जानी ही जानी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, तो जो आप चाहे जीके को लेकर देख लो, चाहे आप मैथ्स देख लो, चाहे रीजनिंग देख लो, तो आपको जो हर सेक्शन था, हिंदी ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 19-20 थी, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं था, लेकिन हाँ, इन तीनों सेक्शंस का जो लेवल था वो वाकई काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, ठीक है। तो कट ऑफ कम से कम 10 नंबर से 15 नंबर तक डाउन करने वाली है पिछली बार के कंपैरिजन में। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है, जो लोग इस टाइम पे में भी कि इग्नोर करके कट ऑफ ज़्यादा बढ़ा के वो बता सकते हैं, ठीक है। तो आओ देख लेते हैं कि वो कट ऑफ, वो फैक्टर क्या रह सकता है। देखो, पहली बात तो वैकेंसी जब की बार हाई है, पिछली बार से थोड़ी बहुत वैकेंसी अब की बार ज़्यादा हैं। नेक्स्ट देखो, ये बात ना कि जो अभी 2018 का जिसका पेपर हो चुका है, जिसकी रेस हो चुकी है, तो उन बच्चों का अभी तक मेडिकल नहीं हुआ है, तो फाइनल उनकी अभी तक, आपके फाइनल सेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से हुआ क्या है कि उन बच्चों ने भी इस फॉर्म को तो भरा था, और साथ में इस पेपर को भी देने वो आए हैं, पेपर तो देने आए हैं, लेकिन आपको पता है कि जब तक इस पेपर का रिजल्ट आएगा, जो 2018 वाले बच्चे हैं उनका मेडिकल हो चुका होगा, तो वो अपने सिलेक्शन को लेकर श्योर हो चुके होंगे, फाइनल रिजल्ट आ चुका होगा। तो इसकी वजह से ये होगा कि जब उनको पता है कि उनका फाइनल रिजल्ट आ चुका होगा, तो वो ये जो पेपर हुआ है इसका, जब आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जहाँ पर हाइट वेट या फिर रेस होती है, तो वो उसमें नहीं जाएंगे। तो इसकी वजह से होगा क्या, मान लो फर्स्ट लिस्ट में तो उन बच्चों का फिर से नाम आएगा, क्योंकि उन्होंने अगर पहली बार क्वालिफाई किया, अब की बार फिर से वो क्वालिफाई करने वाले हैं। लेकिन जब वो पहली लिस्ट में, जैसे मान लो कि 60,000 बच्चों को बुलाया, और वहाँ पहुँचते ही मुश्किल से 25,000 बच्चे हैं, फिर उनमें से 10-12,000 पास करेंगे, तो वैकेंसी खाली रहेगी ना, तो जो सेकंड लिस्ट आएगी उसमें कट ऑफ और कम हो जाएगी, मे बी कि थर्ड लिस्ट भी निकालनी पड़ सकती है इस बार, वो तो बाद में पता चलेगा कि क्या करते हैं। लेकिन हाँ, इस बात को लेके आप बिल्कुल ये मान लो कि ये भी फैक्टर बहुत बड़ा रहने वाला अब की बार कट ऑफ को गिराने में, क्योंकि वो बच्चे अब की बार फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देने नहीं जाएंगे या फिर मेडिकल्स में वो नहीं जाएंगे, तो जिसकी वजह से सेकंड या फिर थर्ड लिस्ट निकालनी पड़ेगी, और उसमें कट ऑफ काफ़ी तेज़ी से कम होगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको शायद अभी आप इग्नोर कर रहे हो, वो पेपर तो ज़रूर देंगे लेकिन वो आपका PST या फिर जो PET होता है उसको देने नहीं आएंगे, ओके। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे मैं आपको ये कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो ये कट ऑफ देख लेते हैं। तो कट ऑफ अगर हम बात करें फर्स्ट लिस्ट की, तो फर्स्ट लिस्ट पेपर टफ था, लेकिन उतनी कट ऑफ नहीं ड्रॉप डाउन करेगी, क्यों, क्योंकि इसमें सारे बच्चे रहेंगे। तो जो UR कैटेगरी के लिए जो फर्स्ट लिस्ट है, उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी है, 210 प्लस माइनस 5, मतलब 205 से 215 के बीच में कट ऑफ लाई करेगी, जो कि लगभग आपका 210 के आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। पहले फर्स्ट लिस्ट की बात कर लेते हैं, और OBC के फर्स्ट लिस्ट 200 प्लस माइनस 5, मतलब 195 टू 205 के बीच में OBC की कट ऑफ रह सकती है। अगर हम SC की फर्स्ट लिस्ट की बात करें, तो SC की फर्स्ट लिस्ट 165 से 175 के बीच में रहने वाली, अगर आपके इसके बीच में मार्क्स है, तो आप चाहो तो अभी से जॉगिंग करना स्टार्ट कर दो, आप दौड़ो नहीं, लेकिन हाँ, मॉर्निंग वॉक या फिर इवनिंग वॉक पे आप जा सकते हो अपने पैरों को थोड़ा सा खोलने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं ST की, तो ST की जो फर्स्ट लिस्ट है वो रहने वाली है 145 प्लस माइनस 5 की, ओके। तो ये आपकी फर्स्ट लिस्ट की बात हो जाती है। अगर आगे हम चलते हैं, तो फर्स्ट लिस्ट तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, इसमें आपको पता है, आप देखना कि बच्चे काफ़ी कम आएंगे, तो सेकंड लिस्ट निकालनी पड़ेगी, सेकंड लिस्ट या फिर थर्ड लिस्ट, तो उसमें जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है UR कैटेगरी की, वो है 195 प्लस माइनस 5, तो 195 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं OBC के लास्ट लिस्ट कितनी जाएगी, तो वो 185 टू प्लस माइनस 5, मतलब 180 के आसपास अगर आपके OBC में है, तो आप ये चांस रखो कि आपको सेकंड या फिर थर्ड लिस्ट में दौड़ने का मौका बिल्कुल मिलने वाला है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर हम बात करें SC के लास्ट लिस्ट, तो अगर आपके 150 से थोड़े ऊपर हैं या फिर 150 के आसपास हैं, तो आपको भी काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इसी तरह से ST की बात करते हैं, तो अगर आपके 130 से 140 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप ये मान लो कि मे बी कि फर्स्ट लिस्ट में आपको मौका ना मिले, लेकिन जो आपकी लास्ट लिस्ट आएगी उसमें आपको मौका बिल्कुल ही बिल्कुल मिलने वाला है। अब कुछ लोग कहेंगे सर आप फीमेल की भी बता दीजिए, तो देखो अभी आप देख रहे हो, अभी कल ही की बात है, चौथी लिस्ट आ गई है फीमेल्स कैंडिडेट की। तो भाई मुझे लगता है कि इस लिस्ट तक आते आते अगर जिसके 140 मार्क्स भी होंगे, उसको चौथी लिस्ट में बुलाया गया है,
ठीक है। तो मैं तो ये कहता हूँ अगर किसी भी लड़की के 150 मार्क्स बन रहे हैं तो उसका तो फर्स्ट या फिर सेकंड लिस्ट में ही दौड़ सेकंड लिस्ट या फिर थर्ड लिस्ट में दौड़ने का उसका आ ही जाएगा। और इस बार क्योंकि पेपर टफ था तो अगर किसी मैं फीमेल के लिए बता रहा हूँ, अगर किसी फीमेल कैटेगरी के 140 मार्क्स बन रहे हैं तो आप श्योर मानो आप इस बार की हालत देख लो भी चौथी लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। और मैं भी क्या पता कि पाँचवीं लिस्ट भी इनको निकालनी पड़ जाए। तो अगर आप फीमेल हैं, अगर आपके 140 मार्क्स भी बन रहे हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपकी 140 फीमेल्स में अगर 140 प्लस बन रहे हैं तो आप चाहो तो अभी से जॉगिंग करना स्टार्ट कर सकते हो इवनिंग या फिर मॉर्निंग में। ओके, तो ये मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं या फिर आपके अगर व्यूज़ कुछ हमसे डिफर करते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताइए, जिससे अगर मुझे आपकी बातें वैलिड लगेंगी तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो जरूर बना दूंगा, ठीक है। टिल देन, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।